हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सम्मेलन को संबोधित किया है। नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस पंचायत सम्मेलन में जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों के साथ साथ पंच और सरपंच भी मौजूद थे। उन्होंने चुने हुए सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि वे गाँव के विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाए ताकि सरकार उसे अमली जामा पहना सके। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में चुने हुए सदस्यों ने भाग लिया। पलवल के न्यू कॉलोनी में विधायक दीपक मंगला ने दो सड़कों का शिलान्यास किया है। ये सड़कें 25 लाख की लागत से बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सड़कों के निर्माण के बाद लोगों के आवागमन में सुगम हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पलवल में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के किसानों ने सोनीपत के ड्राई में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। इस महापंचायत में पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान पहुंचे। यहां महापंचायत राय के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के मेन गेट पर किया गया। ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी पूर्व पार्षद चांदर राम को कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। चांदर राम पर विजिलेंस का डर दिखा करके 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। चीका थाने में शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। आज अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कर रही है। फ्लाइंग टीम ने ट्रॉली को कब्जे में लेकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि रनौली प्राणपुरा में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बावल थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर खेत मालिक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने यातायात सुरक्षा को लेकर के विशेष अभियान चलाया है। पुलिस सड़क पर सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है। इस अभियान में कई सामाजिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। यमुनानगर की विभिन्न संस्थानों और अध्यापकों ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करके हम अपनी जान भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। तो वहीं डीएसपी प्रमोद कुमार ने यातायात नियमों को लेकर के पुलिस की तरफ से किए गए प्रबंधों की भी जाँच की है। कहा है कि इस तरह के अभियान से लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। आम आदमी पार्टी की जीत और बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा के नेतृत्व में भिवानी जिले में विजय यात्रा निकाली है। यात्रा में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और साथ ही साथ गुजरात में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है, इसलिए पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसी खुशी में पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा में यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एस्कॉर्टसन मनी डिमांड मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया है कि उसकी मां को कैंसर है और कर्जा लेकर के उसने मां के इलाज के लिए 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसको चुकाने के लिए उसे एक प्राइवेट कंपनी के एचआर हेड से 26 लाख की अवैध वसूली की साजिश उसने रची। एसीपी क्राइम ने बताया है कि आरोपी ने पीड़ित महिला को फोन चोरी कर उसकी कंपनी में फोन किया और कंपनी एचआर हेड को फोन करना शुरू कर दिया। आरोपी ने मनी की डिमांड कर फोन बंद कर देता था और पुलिस ने आरोपी पंकज को कासन से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।